प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय श्री सदगुरु जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान परम पूज्य श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान सरदी तुकाराम जी महाराज, संत राम वल्लभ जी विराजित सभी संतों के चरणों में प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम धाम नौखारे पावन प्रांगण में बैठ और अपा श्री भक्तमाल जी की पावन कथा सुन रिया हाँ जी। मैं अभी महान भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज रो पावन प्रसंग प्रारंभ है पिछले 5 दिनों से। विस्तृत भक्त शिरोमणि मीराबाई रो जो जीवन और दिव्य जीवन मीराबाई रे जीवन री प्रति घटना बहुत कुछ संदेश और संकेत कर रही है सजनों। कल प्रसंग चल रही हो कि मीराबाई रे पास में जो दासी देती है जी दासी रो नाम हो मिथुला, वो प्रश्न करे है कि मैं कुछ और प्रश्न करनी चाहूं, जवाब दे आप। मीराबाई के ठीक है बोल, काई शंका है? तो कह के ये बताओ के दुख रे मूल कारण काई है, दुख रे मूल में काई है, दुख रो मूल कारण काई है, ये उत्तर दो। मीराबाई जी फरमावे दुख रो मूल कारण है इच्छा, इच्छा ही सारे दुखों की जननी, और इच्छा कदी पूरी नहीं वे। मीराबाई कहे हे मिथुला, एक इच्छा यदि पूरी हो भी जावे तो भी इच्छा री एक कोक सू हजारों इच्छाएं और उत्पन्न हो जाया करे। इच्छा मानव री पूरी नहीं वे, इच्छा ही दुखारो मूल कारण है। इच्छा ही तो जैसे आप सोचो को कोई घर ग्रस्त में जीवन बिता रही हो और मेरी बाल बच्चों नहीं है तो मेरी इच्छा कहीं वे एक बच्चो हो जावे, बस फच भगवान नु की नहीं मांगो, कहीं मेरी मांग पूरी हो जावे बच्चो यारे बाद में हजारों और मांग है जिकी उत्पन्न हो जाया करे। एक बालक नहीं है, भगवान करे एक बालक हो जावे, मारे और की नहीं जोजे। सजनो वे भी जावे तो इच्छा पूरी नहीं हुई यारे बाद में बिने पढ़ानो, हे भगवान इरी नौकरी लगाई दो, इरी शादी भेजिया तो ठीक है, शादी भेजी तो पोता पोती री चिंता। इच्छावान निरंतर बढ़ती ही जावे और इच्छा ही दुखारो मूल कारण। सजनो संतोषी संतोष और ज्ञान रे द्वारा इच्छा रे बीज ने जड़ा सके है मानो। जैसे भादवारो महीनो हो और लोग रामदेव जा रिया है रुणीचे, पैदल पैदल जा रिया है जना, बच्चो नहीं हो कोई ग्रस्त रहे तो वह गराली कहे कि मैं रुणीचे जाऊं। जनकियो के रुणीचे क्यों जाए कि सब रामदेव जी पैदल जावे हर के भाई रामदेव जी बच्चो नहीं वे बिने बच्चो देवे, आंखिया नहीं वे बिना आंखिया देवे, पैर नहीं है बिने पैर देवे, तो मैं भी फेरी दियो कहीं था एक बालक विजया तो अपने मामलो जम जावे ठीक। और आगे अपने
ગોદડાનો રૂખાળો હોય જાવે તો વો જો ધણી હો જો વો ભગત આદમી હો વો પતિ વીરો વો કિતની અચ્છી બાત કીવી હે કે બાકે કે એક તૂંતડો રામજી દે દેવે તો ઠીક હોય જાવે કે તૂંતડો એક કઈ તૂંતડા ચાર દે દે તો ઈ રેણો તો આપાન દોયાની હે આપાન દોયાન કેન રેણો હે કે ની તો એ તો નેરા કર દે આપાન રેમાં તો આપાન દોઈ जनकियों में अपनी संपत्ति में बंट पड़ावे है आराम खावा खर्चा संतोरी सेवा करा दान पुन में खटी धन्ने लगावा तो फालतू रो बंट मत पाड़ बीच में सजनो कितनी मानव इच्छा करे कितनी भगवान मांग करे ज्यों ज्यों मांग की पूर्ति वे ज्यों ज्यों मांग बढ़ती ही जावे और ज्ञानी संत महात्मा लिखे है क्या मांगू कछु थिर ना रहाई देखत नयन ये जग चल जाई क्या मांगू कछु थिर ना रहाई देखत नयन ये जग चल जाई एकलक पुत्र सवालक न्याती उस रावण के दिया नहीं बाती उस रावण के दिया नहीं बाती सदगुरु जी महाराज की क्या मांगू कछु थिर ना रहाई भगवान री कोई भक्ति भी करे कुछ समय थोड़ो राम राम भी कर ले वे तो भी वो भगवान रे सामी हजारों वो मांग रख दिया करेगे भगवान मारे एन करो बैन करो ये कितनी बड़ी भूल और कितनो बड़ो अज्ञान है आप सोचो संत कबीर साहिब कहो है कि क्या मांगू कछु थिर ना रहाई मांगू कहीं थिर कुछ रहने वालो है ही नहीं बताओ आप बारली कोई चीज मांगा हाँ वा कहीं सदा थिर रही बच्चा मांग लिया बालक मांग लिया अरे एक बालक है गुजी राउंड रे सवा लाख ज्ञाती गोती ही वो किधर चली गई सजनों बताओ आप धन मांगला तो धन क्यों सदा रहे अपने पास में ये दिन शरीर छूट भी दिन अपन ने बिल्कुल खाली हाथ आया हर खाली हाथ अपन जानो है तो भगवान री भक्ति भी कोई स्वार्थ रे भाव सो करे इच्छा रे भाव सो करे थोड़ो राम राम कर ले और भक्ति करी वो तो थोड़ो राम राम कर ले फिर के भगवान एन करो बेन करो कितनी ये निपट मूर्खता है भगवान भी जो भक्ति करे है भी भक्त ने कुछ मांगने की जरूरत नहीं मेरी पूर्ति तो भगवान सहज ही कर दिया करे सजनों अपनी मांग में ही दुख है ये इच्छा ही सारे दुखों की जननी है इच्छा भोग है बीज दुखारा और ज्ञान अग्नि में जाल ये ज्ञान रूपी अग्नि में इन्हें जलाओ एक कोई भाई परदेश गयो यात्रा में गयो और बहुत लंबी तीर्थ यात्रा करन वो वापिस आ रहे हो वापिस आवे तो वो देखे एक अपने मित्र घर वो रुके मित्र घर रुके जब वो मित्र पूछे एक भाई तू इतनी लंबी थोड़ी तीर्थ यात्रा करी है कुछ तीर्थ कोई विशेष बात बता तो वो कहे मैंने तीर्थ में एक एड़ो ताबीज मिलियो एड़ो ताबीज है मारे पास में जिको मिलियो भी ताबीज रे पास में जो भी कोई व्यक्ति तीन बार मांग करे तो तीन वारी मेरी मांग है जिकी पूर्ण विजय करे मेरी मांग री पूर्ति विजय पर एक और बात है हाँ कि जिको मांगियो है बिन मिलगो है वो पूछे यात्री ने कहा हाँ मिल तो गो पर ध्यान रखनो कि जिका ने मिलियो है वो बतायो अब सजनो एड़ो कोई ताबीज है कि भाई मांगना मिल जावे अब आर एड़ो कोई ताबीज अपन दे दियो वे और कहते नहीं मांगना रे बाद में मिल तो जाए पर दुख बड़ी अपनो रही जाए कहीं नहीं नहीं मन देवो तो करो मैं तो मांगू
तो वे धनी लुगाई के भाई तू मारो वो मित्र है मित्रित यात्रियन के तो मन वो ताबीज दे दे, मैं देऊं कौन मैं थारो सच्चो मित्र हूं थारो हित चाहूं। ई ताबीज कनु जो भी मांगियो है मिलतो गो है पर वो बहुत रोयो है बाद में फिर भी हट पकड़ लियो वो तो नहीं दो मने ताबीज। वो तीर्थयात्री ताबीज दे निकल गो। अब भाई वे धनी लुगाई दोनों बड़ा राजी के कई मांगा धन। आप सोचो अबार की ताबीज थाने दे दे के की मांगो जन कई मांगो सबों पहला बताओ सबों पहला रिफिया मांगा ऐ छोगा लागे सबों ज्यादा जना भी ताबीज रहा मी रखियो और बोले कई मांगा 1 लाख री मुद्रा मांग लो भी पुराने जमाने में 1 लाख रुपये बहुत है। तो बोले के सोच लो दोनों क्यों सोची उड़ो मांग लो 1 लाख रुपयों मारे अभी हाजिर हो जावे। इतने में गर्रो दरवाजो खटखटायो कोई गेट रो दरवाजो खोले तो आगे देखे गए सैनिक राजारी सेनारो सैनिक आयो और वो बोले समाचार दे कि आप रो जो बालक राजारी सेना में हो वो आज वीर गति प्राप्त कर गो है और आपकी सहायता हेतु राजू 1 लाख रुपया आपने दिया है। अब रुपया तो मिलगार मेरी मांग तो पूर्ति वेगी पर वो कहीं की हो पूर्व में के थारी मांग तो पूरी हो जाई पर रोनो पड़ी। अब रोनो मिठियो कहीं भाई दोनों पति पत्नी रो रिया है क्यों जल्दी मांगो दो जोड़ी चीज हस्ते तो ताबीज है क्यों मांगा कहीं और तो कहीं मांगा बेटा ने मांगो जल्दी मारो बेटो हाजिर भेज जावे। अब उधर तो बेटा री चिता जल रही ही और ताबीज ने कहे मारे तो बेटो जो जे अब शरीर तो आयो नहीं वो अधो गति में चलियो गियो वो तो भूत बनने ला मार रही हो। हाँ पिताजी बोलो कहीं काम है और रोनो दो और मांग कितनी बार सके बिरकनू 3 बार ही मांग सके। अब कहीं मांगा कि रिशद गति में जावे रिशद गति में जावे चलो ताबीज 3 बारी बा मांग हिर पूरी वे दी जो मांगियो हो वो मिल तो गो पर मिलियो काई हो अंत में रोनो ही मिलियो है सजनो। ये इच्छा जो है ये सारे दुखों री जननी इरे वास्ते भगत जो व्या करे भगवान रो मेरे कोई ऐसी इच्छा नहीं दिया करे संसारिक पद पदार्थ री रूप बिने केवल भक्ति जोईजे। सजनो कितो कुछ मिल जावे फिर भी मानव ने शांति नहीं दे जो 10-20-50 बये सत होई 1000 जो लाख मंगेगी अरब खरब कोटि असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी स्वर्ग मृत्यु पाताल रो राज करूं तृष्णा में आग अधिक ही लगेगी सुंदर दास संतोष बिना सट तेरी तो भूख कदई नहीं भगेगी। सुंदरदास जी महाराज कहे अरब खरब असंख्य कोटि धरापति धरती रूपति यानी धरती रूपुरु साम्राज्य मिल जाए तो भी ये इच्छा ये मांग री भूख ये मानव री मिटे नहीं ये मिटे कब जब मानव में संतोष हो जाए। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कदई नहीं भगेगी संतोष रा भाव जीवन में वे मीराबाई कहे हे मिथुला ये इच्छा ही सारे दुखों री जननी मानव किती दौड़ भाग करे है वस्तुआ पद पदार्थ ये प्राप्त करने वास्ते अंत में दौड़ते दौड़ते एक दिन मृत्यु आ जावे सजनों और काल रे मुख में चले जावे। सोचो सजनों देखो बहुत आया बहुत कुछ धन पद पदार्थ हासिल करियो हो पर अंत में सब छोड़ एक दिन चलिया गया गायो है वाणी में हाँ क्या लेके आयो बंदा क्या लेके जाएगा क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी है
दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। थोड़ी आवाज बढ़ाओ रामा। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्त इस धन्युर जोबन का, क्यों वृथा करे गुमान मूर्त इस धन्युर जोबन का। बंदी मुट्ठी आयो जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। हाँ क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। अरे वो कहाँ गए बलवान तीन बार धरती तोलनिया, वो कहाँ गए बलवान तीन बार धरती तोलनिया। अरे जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया, जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। सामारे बोलनिया नहीं निर्भय डोलनिया, गया रे अकेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। आइए क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। अरे तू छोड़ चलेगा बंदे माया गिनी गिनाई ने, तू छोड़ चलेगा बंदे माया गिनी गिनाई ने। अरे गढ़ को ठारी नीम छोड़ गा चीनी चिनाई ने, अरे वे गढ़ को ठारी नीम छोड़ गा चीनी चिनाई ने। चीनी रे चिनाई वा तो मिट्टी मिलाई, मिट्टी मिलाई, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। हाँ क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, दो दिन जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। अरे तेरी काया काये बाग भाग बिन पाया नहीं जाता, तेरी काया काये बाग भाग बिन पाया नहीं जाता, कह
कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। कहे शर्मा बिना नसीब तोड़ फल खाया नहीं जाता। खाया नहीं जाता कैसे हरि गुण गाएगा, हरि गुण गाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। बोलो राम जी महाराज की। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। इसे में जब सोचा तो जन्मिया जद अपा कहीं साथ ले आया, कुछ ले आया कहीं। पद पदार्थ री भौतिक दृष्टि में देखे जावे जद कुछ नहीं ले रहा, और ऐसे बहुत कुछ साथ में ले रहा। मानव जन्म रूपी हीरो अपने साथ ले आया, एक संभावना साथ ले आया है। जन्म रे साथ में, मानव जीवन रे साथ में ही ये संभावना रो भी जन्म लियो कि ये नर जो है ये नारायण री प्राप्ति कर सके है, भगवान री प्राप्ति कर सके। ये संभावना साथ ले आया है, बाकी कुछ भी साथ नहीं ले आया। और मारा भी दिन कुछ साथ चाले नहीं के चाले की। जब ये बात समझ में आ जाए, जब ये रोनो दोनों ही मिट जाए पूरो, अहंकारो भरणो बहुत सरल है। हाँ बात सही है बाकी, पर ये समझने री बात है। कुछ लेर नहीं आया, कुछ लिजिया वहां नहीं, फिर अपा कई चीजा रे वास्ते लड़ा। हाँ बताओ आप, फिर कई ऐसी कामना है अपने दिल में जी रे वास्ते लोग लड़ाई कर रिया है, झगड़ा कर रिया है, जिरे वास्ते आदमी रात दिन चिंतित है। बताओ, कुछ नहीं ले आया सजनों, और कुछ नहीं ले जाना साथ में। पर ये भी साथ ध्यान रखना है कि मानव जन्म रूपी हीरो साथ ले आया है, पर ये मानव जन्म रूपी हीरारी कदर करनी है, भक्ति करनी है, साधन सुमरण करना है, सेवा भक्ति दया दीनता पर उपकारी पूंजी साथ ले जानी है अपने। सजनों उदाहरण दे कहे, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना दो दिन का। ये दुनिया कैसी, ये दुनिया सराय री बांती है। बलकरा बादशाह सुल्तान रे महल में जब कबीर साहिब पधारिया तो सेवक लोगा ने जो बाहर खड़ा है गेट रे बाहर बेरो क्या किधर जा रही हो, कई सराय में मने रात्रि में बासो लेनो, इस सराय में मन रात रुकनो। अरे बेके तू पागल हो गयो कहीं, ये कोई सराय थोड़ी है, ये तो बादशाह सुल्तान रो महल है। बादशाह सुल्तान भी बीच में बगीचे में भ्रमण कर रही, आवाज पड़ी, बादशाह भी आया कि ऐसे कोई साधु आया है। बोले के बाबा तन पतो नहीं है, ये मारो मैं ले तू कहे ये सराय, तो ये सराय तो थारो मेल नहीं। कैसे, मैं कई वर्षों पहले आयो हो, आज हूं 40 वर्ष पहले, तो थारी तरह और कोई कहते हो कि ये तो मारो मेल है। ऐसो ऐसो आदमी हो, एड़ो एड़ो उलियो हो भी तो, हाँ मैं तो मारा पिताजी आ, पिताजी कट गया, बे मारो मारो घर था जी का गया कटे, वो तो चलिया गया क्या। और भी आयो हो मैं पूर्व वर्षों में, आज 80 वर्ष पहले और आयो हो, तो एक और आदमी क्या तो मेरी तरह मारो है, वे कट गया बे मारा दादोजी आ। अरे तो गेला दादाजी गीपरा, पिताजी गीपरा, तो आप हाटी रेवा ला गई थे ईमेल में ही रहो। कि नहीं नहीं मैं भी नहीं रहूं, जानो तो एक दिन पड़ी, एकदम से वो चुपेगा। तो जद ये सराई तो है संसार, बासो जगत सराई रो, और सभी मुसाफिर लोग
ये प्राणी जो है ये मुसाफिर रूप में है, अपनी अपनी यात्रा करी कर्मों के अनुसार। ये एक तरह की सराय, सराय में रात्रि विश्राम कर लियो और प्रभात अपने अपने मार्ग चलिया गया। अब किधर जानो है ये तय करनो है, कहीं भगवान रे लोक में जानो है तो करो भक्ति परमात्मा री, स्वर्ग में जानो है तो शुभ कर्म करो, नर्क में जानो है तो निंदा करो, झूठ बोलो, अनिति करो, ये काम करो। सजनों ये सराय है दुनिया और मानव मुसाफिर है, ये बटाऊ है। दरिया जी महाराज फरमायो, बेता भाई मारग माये आठ पेर रो चालनो रे, आठ पेर रो चाल गड़िये कठेरे नाई भटाबू, गड़िये कठेरे नाई भटाऊ बीरा बेता भाई मारग मा। बोलो राम जी महाराज की, वाह वाह। दरिया जी महाराज लिखे, बटाओ बीरा बहता मार्ग माए, बह रहे यहां चल रही यहां बैठा हां फिर भी यात्रा हो रही है। जो भी काम कर रहा तो अपनी यात्रा प्रारंभ है जीवन री। अरे गर्भ जन्म बालक भयो रे, तरुणाई गर्बान ये वर्द मर तक फिर गर्भ बसेरा, वर्द मर तक फिर गर्भ गाइए ये मार्ग परमान भटाबू, ये मार्ग परमाण बटौ बीरा बेता मार्ग माय। बोलो राम जी महाराज की, यात्रा प्रारंभ है। गर्भ जन्म बालक भयो रे, एक दिन मारे गर्भ में ऊंधे मुंह लटक्योड़ा, वो भी यात्रा है। जन्मियो बालक बनिया, धीरे धीरे वो बाल अवस्था ढड़ गई निकल गई, चलते चलते जवानी आएगी। जवान अवस्था काम काज में बीती, चलते चलते बुढ़ापा आएगा, पाछी मौत आएगी और पाछो वही गर्भ रो दुख। गर्भ जन्म बालक भयो रे, तरुणाई गर्बान वर्द मर्तक फिर गर्भ बसेरा, और तेरा ये मार्ग प्रमाण वापिस जन्म लियो। अब के ये मां मिले नहीं मिले, लग 84 जून में ही कोई मार गर्भ में जा सका, बिन भक्ति तो यही वे। मन मरियो नहीं ममता मरी, मरमर गया शरीर आशा तृष्णा नहीं मरीर, कहेगा संत कबीर। कबीर साहब कहेगा, शरीर तो मरियो पर ये ममता नहीं मरी, ये आशा तृष्णा नहीं मरी, और ये आशा तृष्णा ने ले और वापिस गर्भ रे चक्र में मानो आयो, और अनंत दुख पायो। कोल भी करियो हो मानो जीवन देव भक्ति करा, पर ये जीवन में आते ही धन पद प्रतिष्ठारी लोलुपता में लागो, ये माया रे जाल में उलझ गो। अरे महात्मा कहे, कहां गए बलवान, तीन बार धरती तोलनिया, एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। फिर अभिमान अजियावे, मद अजियावे, मारे पास में धन है, संपत्ति है, परिवार है, मारे राम राजी है, मने भक्ति रिकट जरूरत है, कहे मारे तो राम जी राजी है। परमात्मा कहे, धरती करते एक डग, दरिया करते फाल, हाथों पर्वत तोलते दादू उनको भी खाया काल, एड़ा एड़ा बलशाली हा वे भी काल रे मुख में चलिया गया, पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण से कहते गए जिनका आदि नहीं अंत। अरे रावण तो एक नाम याद है अपने, रावण जैसे किता काल रे मुख में चलिया गया है। सजनों
नित निरंतर लाखों जीव काल रे ग्राशी तेरिया है और काल रे लोक में चलिया जा रिया है। लेन लागोड़ी है, अभी लेन में नंबर अपनों को दावे है, ये कोई पतो नहीं है। कर लो महापुरुषों रो जो संदेश है वो अपने जीवन में धारण करो, भक्ति धारण करो, भक्ति की शुरुआत करो, राम राम करो, संतों री सत्संग करो। ये मद लोभ मोह अहंकार है, ऐरी प्रवृत्तियों थोड़ा दूर वो, ये ज्ञान रे द्वारा सत्संग रे द्वारा धीरे धीरे आप रो जद मन भक्ति में लागे स्वतः फिर सूट जाए आगे, फिर परम मुक्त अवस्था में पहुंच जाओ, फिर जन्म मंडी चक्कर में नहीं आवा भाई। यही सारे दुखारो जो कारण है, मीरा मिथुला ने कहे ये इच्छा ही सारे दुखों री जननी है। कितनी बड़ी बात कही मीरा भाई बताओ आप। ऐसे मिथुला दासी ने ज्ञान देती और वो साथ रहने वाली मिथुला चंपा इत्यादि जो दासियां ही, ये भी मीरा रे साथ में मीरा रे संग सू भगवान री भक्ति में लागी, ये भी अपनो नित नेम करती भक्ति करती और मीरा री सेवा ने ही परम सेवा मानती, मीरा री सेवा में हरदम रहती ये तीनों दासियां। भाई संत रे संग सू धीरे धीरे संत हो जाया करे, वो संत स्वभाव भी में प्रवेश होने लाग जाया करे। वो तो बचपन में मीरा भाई रे साथ में रही ही, भाई जेड़ा आदमी रे आदमी साथ रहे ना कहने जेड़ो आदमी संग करी भी बेड़ो ही रंग लाग जाए। सदगुरु के संग सुमरण करसी साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो ही रंग लागे रे वेद संत यूं गावे। ऐसी ज्ञान री बाता सुन और मिथुला चंपा ये भी भगवान री भक्ति में लाग गई ही, सेवा भी करती ही। अब कई वर्षों बाद में आठ नौ वर्ष बाद में मीरा रा भाई जेमल जी, ये जेमल जी मीरा बाई ने लेने वास्ते चित्तौड़ पधारिया। अब चालो भाई सा मेड़ते, तो मीरा बाई चित्तौड़ सू मेड़ तेरी तरफ रवाने भी अपनी जन्मभूमि की तरफ। कई वर्षों बाद जब मीरा बाई मेड़ते आया तो बड़ो अच्छो लागो मीरा बाई ने से, और परिवर्तनशील संसार ने भी देखियो हो, जटे कच्चा मकान हा बचपन में जहां मीरा बाई रहता हा, आज बूटे बड़े बड़े महल बन गा है। जी जगे माते मेरा दादाजी राणा सांगा भी रास्ता हा, भी जगे माते आज मेरा पिताजी, आज मेरा बड़ा पिताजी बीरम देव जी बैठा है और वे भी वृद्ध अवस्था में आएगा। देखो ये परिवर्तन हो रही हो नहीं हो रही हो। 10 साल पूर्व जो मीरा देखियो हो मेड़ता में, आज अचानक पूर्व ही परिवर्तन आएगो, क्योंकि समय रे साथ में परिवर्तन ही आ करे। आप देख सको आज 10 साल पहले री भौगोलिक परिस्थिति कैसी ही और आज परिस्थितियां कैसी बताओ, और अगले 10 साल में और कितो परिवर्तन वे। संसार ये है जो सदा परिवर्तनशील, स्थिर नहीं, समझ गया ना। देखे मीरा के जो संगरी शैलियां ही वो भी बड़ी होगी ही। जेमल जी जो मीरा रा भाई हा, वे अब पूरो राज का संभाल दिया है, पर परिवर्तनशील संसार ने देखियो हो मीरा भाई और बड़ो अच्छो भी लाग रही हो, क्योंकि आज मीरा ने याद आ रही है अपने दादाजी की, कि कैसे मैं छोटी ही तो दादाजी मारो लाड रखता हा, मने भक्तियों कदी मना नहीं करता हा, और अटे संत पदारता हा तो मेड़तारो मेल मीरा ने बहुत प्यारो लगतो हो, अटे संत आया है बचपन में और जन्मभूमि किने अच्छी नहीं लागे भाई बताओ आप। जननी और जन्मभूमि शास्त्र में आयो है स्वर्ग जैसी व्या करे, मां और जन्मभूमि। आप सोचो के आदमी चाहे देश विदेश परदेश चलियो जावे, अरबों राबे रे बंगला भेजिया, गाड़ी घोड़ा मकान भेजियावे, पर जन्मभूमि भी रो कितो लगाव दिया करे के बेटे जन्म ही अपनो छोटा आजाद अठे रहा। देश विदेश चलियो जावे, 5 स्टार री होटला में भोजन करे, पर मारे भोजन री ओड वे कहीं बताओ भाई। जो प्रेम प्यार और दुलार रे साथ में मां अपने बेटा ने पास में बैठा आई और प्रेम रे साथ में भोजन कराया करे, वो भोजन बताओ सजनों लाखों रुपया खर्च करे तो ही मिले कहीं।
वो नहीं मिले है, वो मां रो जो निस्वार्थ भाव रोशन है पुत्र के प्रति। मीरा ने आज अपनी माँ भी याद आई है, जो माँ हरदम मीरा रे साथ रहती ही, भक्ति मार्ग में मीरारी हरदम भी माँ ने चिंता रहती ही। आज मीरा ने अपनी माँ याद आ रही है और मंगल कामना कर रही है मारे प्रति, पुरानी स्मृतियां वापिस आ रही है दिल में। पर मीरा रे तो वही भाव, और सारा ही मेड़ते नगरा लोगा ने पतो चलियो कि आज कई वर्षों बाद में मीराबाई आई है। तो जिका भगत था, जिका मीराबाई रे साथ में भगत मंडली ही, जिका भजन गाता है कीर्तन करता है मंदिर में, वे सभी मीराबाई ने देखनी ओढ़ में आया है, सारा देख रहा है। और मीराबाई तो अपनो वही जिंजा करताल और लेर भगवान दा पद गाना शुरू कर दिया। मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, माने लागी रे लगन गुरु चरणन की रे गुरु दर्शन की, चरणन की रे गुरु दर्शन, माने लागी रे लगन गुरु चरणन की, माने लागी रे लगन गुरु, माने लागी रे लगन गुरु चरणन की, चरण बिना माने कछु ना सुहावे, चरण बिना रे माने कछु ना सुहावे, जग मर्यादा स्वप्नन की रे, जग मर्यादा स्वप्नन की, माने लागी रे लगने गुरु चरणन की, माने लागी रे लगने गुरु। अरे भवसागर सब सूख गयो रे, भवसागर सब सूख गयो, फिकर नहीं माने तीर्णन की रे, फिकर नहीं माने तीर्णन की, लागी लागी रे लगने गुरु चरणन की, माने लागी रे लगने गुरु। मीरा के तो गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिर दासी भण ज्यों आप रे चरणन की हो, दासी भण ज्यों रे आप रे चरणन की, माने लागी रे लगन गुरु चरणन की। बोलो राम जी महाराज की। चरण बिना माने कछु नहीं बावे, और ये जग मर्यादा है स्वप्नन की, संसार ने भगत कैसे देखे, स्वप्नरी भांति देखा करे संसार, भगत ने स्वप्नरी भांति लागे सपना ये संसार रेण का देखना, और हां पलटू ये बाजीगर का खेल बना सभी पैखना। कुछ दिनों तक मेड़ते में हर्ष और उल्लास रो माहौल छायो, भजन कीर्तन ने तो हो, आज भी सजनों आज भी मीराबाई री वो भक्ति अटल अमर है। आज भी एकादशी रे दिन, और एकादशी रे सदाई मेड़ते में तो दर्शन भगत आता ही रहे, और एकादशी रे दिन भजन कीर्तन पूरी रात्रि भर या करे सजनों। ये जो भक्त कार्य प्रारंभ करियो हो, ये जुगो जुगो तक रही सजने। धन्य कारण सु मेड़ तो क्षेत्र सब सु प्यारो लगिया करे माने, क्योंकि मेड़ते में मीराबाई भी आ, ये अपनो क्षेत्र मेड़ते में आवे, आसपास रो क्षेत्र। कई दिन अपने अपने पिहर में रहा हा, पर भाई जो संसारी जो लोक मर्यादा ही मीरा तो नहीं मानती, फिर भी वापिस चित्तौड़ी तरफ जानो, वापिस पुने मेड़ता सु मीराबाई चित्तौड़ी तरफ रवाने भिया, तो साथ में काफी सैनिक लोगा ने भेज दिया, क्योंकि जयमल जी तो मना कर दी, क्योंकि वी समय वो मालदेव नाम रो कुछ कोई राजा हो, वो मेड़ते माते आक्रमण कर दियो हो, और पतो चल गो हो वो आक्रमण करने वालों है,
तो कुछ सैनिका रे साथ में मीराबाई ने वापिस चित्तौड़ी तरफ भेज दिया। मीराबाई रे साथ में वो दासियां ही जो मिथुला चंपा इत्यादि चार दासियां मीरा रे साथ में ही मेड़तों पैदल पैदल चलता चलता मेवाड़ री जो सरहद में घुसने लगा। मेवाड़ री सरहद में सीमा में जो राज्य तो बड़ो भी सीमा में पहुंचा तो देखे है मीरा रस्ते में उजड़ा हुआ गांव, जड़ी कुचली खेती, जड़ा हुआ घर, सताए हुए मनुष्य पशु, चारों ओर अराजकता फैली ही। मीरा बैरो ये देख पांच सात कोस दूर चित्तौड़ सो आप पांच सात कोस यानी 20-30 किलोमीटर आप मान लो 21 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर जब चित्तौड़ रहे हो तो एक गांव छोटो गांव हो भी आपने आवाज आ रही है मीरारे कानों में जैसे कोई बच्चा रो रिया है, औरता रो रही है, चिल्लाने रा स्वर सुनाई दे रिया है मीराबाई ने। तो मीराबाई अपने साथ जो सरदार था सैनिको राजा नाई था बेने कहे भाई देखो तो सही है, हो हल्ला कह रो है कोई मरगो कहीं कोई मृत्यु वेगी कहीं कान दे सुने तो मीराबाई के नहीं कोई मृत्यु तो नहीं हुई है कोई यानी ऐसा ही आदमियों ने डांट रिया यानी कोई गरीबों ने सता रिया ऐसे लागे। तो वो जावे भाई सैनिक देखने वास्ते वृक्षारी ओठ में और धीरे धीरे जावे तो छोटो गांव दिखे आगे और भी राज्य में देखे है कि पांच चार आदमी जो विक्रमादित्य रा सैनिक जिस समय देवर विक्रमादित्य राज करता चित्तौड़ रो बेरा सैनिक हाजी का कर ले उन्हें वास्ते आयोड़ा हा राजा पुराने टाइम में जो कर लेता हा आम जनता को किसाना को वो कर देनो पड़तो आप बूढ़े लोगों ने कहीं पतो है कि भाई कर कैसे देनो पड़तो यानी खेती बेकरतार खेती रो आधो ज्यादा हिस्सो जिको राजा ले जाता और कुछ हिस्सो बचतो जिको बे किसान अपनो गुजारो करता। बेकर उगवने वाला भी गांव में आयोड़ा हा पांच दस आदमी और दो बुजुर्ग आदमी हाथा जोड़ी कर रिया हा के अंदाता पिछले वर्ष काल पड़ गो हो जैन केन गुजर करियो ई वर्ष तो खेती में बीजन वास्ते पूरा बीज ही नहीं हमारे पास एक बल्द मरगो मारो उधार मांगर खेती बाई असोज में डाकू आएगा खेता में आग लगाई दी घरों ने लूट लिया क्योंकि गुजरात की सीमा भी उधर निकट पड़ा है और वो डाकू आए वहां को पूरा कुछ सब कुछ ले गया। अब ये कर उगाने वाला आप आया हो तो हमारे पास में कुछ नहीं है। मीराबाई ने जाहिर वो सैनिक कियो के मेरे तारा जो सैनिक कहा के आपने रावले रा जो सैनिक आयोड़ा कर उगाने वास्ते और बे कहीं कर रिया है के किसान कह रिया है मारे नुकसान बेगोर दो साल लिया खेती में नेपे नहीं वे रही जन बे सैनिक है जी का कहे के थारे पास में धन नहीं है तो थारी बच्चियां दे दो और बच्चा बच्चियां ने बे जबरदस्ती ली जा रिया है और बे गिड़गिड़ा रिया है रो रिया है आम किसान। मीरा ये बात सुनते ही मीरा रो दिल पड़ गो भाई क्योंकि देखो भगत रे दिल में दया विया करे भक्ति रो अंग है दया। अरे दया रे भाव चित राख भक्ति रो अंग है दया रे भाव चित राखे भक्ति रो के कबीर चित चेत जगत पतंग है। साधु रे मन में दया किया करे सजनो कहे अग्नि तो ये मक्खन तो अग्नि रे तापू पड़गड़िया करे पर साधु जिकारो दिल है वो दूसरा ने दुखी देकर पड़गड़ जाया करे बिरो इर्दो जिनके दिल में दया नहीं बहुरी कहावे साध दादू उनका मुख देख तार लागेला बहुत अपराध। जीरे दिल में दया नहीं है भी आदमी रो मुख देखना सो भी पाप लग गया करे सजनों ये देखो दया रो सागर ही मीरा। मीरा कहे तो बे लोगा ने समझाना हा सैनिको ने तो मीरा रे साथ सैनिक आज का क्यों मैं सैनिको ने समझाया तो हा पर बे अमर्यादित बात कर रिया हा गालियां बक रिया हा
और मारी को कुछ नहीं सुनी। मीरा रो हृदय एकदम से जनकृत वेगो सजनो काम उठ्यो, आंखा में आंसू आया। आज 30 साल री आयु में जिकी मीरा रे हाथ में कंठी माणा रहती, वो सैनिक रे हाथ में जो तलवार कोस, म्यान ने तलवार सु बार निकाल और छत्राणी री तरह उधर गांव री तरफ रवाने वेगी। अभी देखो कौन है जो गरीब जनता ने कष्ट दे रिया है, दुख दे रिया। देखो भाई, कर उगाने वाला रे पास में गया, सैनिक के अंदर आप कहीं करो हो अंदाता हुकुम, नहीं नहीं जानो पड़ी मने। ग्राम लोगा रे पास में गया मीराबाई जी, तो बे मीराबाई ने तो पतो ही जानता ही है कि भाई ये तो अपने मेल रानी सा है। आया सब पास में खड़ा भिया, गांवरा लोग हाथ जोड़िया, गांवरा ने जब पतो चलियो, गांवरा लोग के महाराज मालवाऊ सैनिक तीजे चौथे महीने आई और माने धमका जावे डरा जावे, मारा इस बच्चियों ने ले जावे उठाई और माने बहुत दुख देवे है, मैं विरोध करा तो माने मारन भाग जावे है। जदबे जी का सैनिक आया हा विक्रमादित्य रखकर उगव ने बेने मीरा केवेरे था को राज किताक दिन रही, शर्म नहीं आवे थे राजा हो और थे सैनिक और मंत्री हो, थारे राज में दूसरा लोग आए थारी जनता ने दुख देवे और इतो कष्ट देवे, जनता रे पेट माते पग देवे है, ए राज थोड़ा दिन ही टिकनाला है, ज्यादा दिन कौन टिकेला भाई। आगे जाए देखे मीरा गांव में तो 10-15 आदमियों ने बांधी होड़ा और कुछ सैनिक बैंके गरामु अन्न और पशु और गरामु ये सब चीजा ले जा रिया है। मीरा मीरा कह रहे शर्म नहीं आवे था ना, थे गरीबों रे पेट माते लात मार रिया हो, एकी बहन बेटियों ने उठा ले जा रिया हो, अभी थारी बहन बेटियों रे साथ एड़ो अत्याचार करे तो थाने कहन लगे रे। ये कुछ नहीं बोल पाया के माने कर राजा रो आदेश है, माने तो विक्रमादित्य रो जो मीरा रे देव रहा, मारे तो बेनो आदेश से जखम में लीजिए वहां, अरे कर कितो है, तो गांव रा लोगा माते क्यों है के माते 700 रो कर है, 700 रुपए ऐसो कुछ बा मुद्रा बताई ही। तो बीच में मीरा कहे अपनी राण अपनी दासियों ने जो चंपा चमेल गोमती गंगा चंपा और मिथुला क्यों ये थे थारा गेणा उतार दो और ये सेवकान गेणा दे दो, पर गरीब जनता ने दुख मत। देखो सजनो गरीब री आय बड़ी भारी भी आकर, कोई भी गरीब आदमी वे और बिन कोई धनाड़ो दोष दिखाए, बिन लूटे और बिन दुख देवे, एक दिन बिरो विनाश वेणो निश्चित है, बिरे विनाश में कोई कमी नहीं है। तिनका कबू नहीं निंदिए पांव तले जो होई, कबू पड़े वो आंख में जद पीड़ गणेरी होई, तिन कलारी भी निंदा करनी ठीक नहीं है। सजनो मीरा फिर शांति पूर्वक, फिर मीरा रे एकदम से आंखों में नरमाई आई, वो तलवार वापिस अपने सैनिकों ने दीवी और वो सही समझा रिया है कि भाई देखो जनता री सेवा में थारो जीवन रो हित है, कर उगाया रे पहला देखनो के इरे पास में सामग्री है कि नहीं है, देने की क्षमता है कि नहीं है, और दूसरा री बहु बेटिया ने अपनी बहु बेटी समझो, और गौ और गोरी जठे सतई जावे है मेरे माते भगवान कोप कर लिया करे है। सैनिकों ने कहीं समझावे कि जी क्षेत्र में गायरी दुर्दशा है और गोरी यानी नारी दुर्दशा है, मेरो विनाश वेणो निश्चित है, कोई संदेह नहीं। जी घर में बाई ने सतई जावे, बच्ची ने सतई जावे, औरत ने सतई जावे, वो घर कदी सुख सुविधा और चैनरी नींद नहीं ले सके, समझो रे भाई। भगवान जीवन दियो है तो महंगो, और इतना महंगा जीवन जो मिलियो इन्हें सुकृत कर्म में लगाओ। मीरा बाई प्रेम रे साथ में सैनिकों ने समझा रही है, कहीं था पटो कराई लाया ही का यारो, अरे एक दिन जानो पड़ी ये बात रो ध्यान रखो, ये धन जोबन तो 4 दिन रा पावना है, एरो गर्व मत करो और जनता ने दुख मत देहो आप। बे मीरा रा शब्द सुन अरे सैनिकों रा भाव बदल गा, मेरी भी आंखों में अश्रु धारा बे आई, पर बे पगा पड़े के मैं कहीं करा, मैं तो खुद नौकर हूं और राजा साहब के वे जीव माने करनो पड़े है, पर मीरा कहे ये धन जोबन तो पावनी रूपी है और संत भी कयो है।
जो बन धन पावेणा दिन चारा अरे जारो गर्व करे सोगी मारा रे जो बन धन पावेणा दिन चारा हो सके पर महापुरुष वाला शब्द एक ही यही मेरा कहो अरे दस माता जारे बीस भुजाही कुल बोत परिवार अरे दस माता जारे बीस भुजाही कुल अरे पशु चामरी बने है पनैया नौबत मंडे रे नगाड़ा आइए अरे पशु रे चामरी बने रे पनैया नौबत मंडे रे नगाड़ा अरे नर तेरी चाम काम नहीं आवे नर तेरी चाम काम नहीं आवे आ तो बड़ जल हो सी रे अंगारा जो बन धन पावे हाट मासरा देखो बाबा काम आएगा हाट मासरा बनिया रे पिंजरा अरे भीतर भरी या भंगारा अरे हाट मासरा बनिया रे पिंजरा भीतर भरी या भंगारा अरे ऊपरे तो रंग सुरंग छड़ायो ऊपरे तो रंग सुरंग
अरे ओ संसार ओस वालो पानी जात नी लागे वारा, अरे ओ संसार ओसरो पानी जात नी लागे वारा, केत कबीर सुनो भई सादो, कैत कबीर सुनो भई साधो, हरी भजी उतरो पारा गाइए, हरी भजी उतरो पारा, वो जो बने धन पावना दिन चारा, हरी गर्भ करे पावना दिन चारा, बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की जय हो। वाह वाह, ये शब्द अमर है महापुरुषों रा सजनों, संत महात्मा इस संसार से परमात्मा रे लोक में पर बेरा शब्द रह जाया करे, प्राण जावे पर वचन नहीं जाए, संत तो चलिया गया पर मेरा वचन अटल रहेगा, ईसा की है रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, इस इरो अर्थ का ही है। एक दिन चर्चा कर रहा मैं तो बतायो कि भाई इरो अर्थ यह है, ये नहीं है कि भाई ओ है कि मारो जी को मैं वचन कह दू जी को फाचो बन भी रो, कोई वादो कर लियो ये इरो अर्थ नहीं है, ये तो बिल्कुल थोड़े शब्दों में इरो अर्थ है कि मैं वादो कर लियो तो मारा अब वचन कौन जाऊं फाचा, ये नहीं इरो अर्थ, इरो अर्थ ये है कि रघुकुल रीति परमात्मा रे घर ये रीति है कि परमात्मा रा भेजा गया संत तो पधार जाया करे एक दिन, पर मेरा शब्द है जी का ये प्रकृति में विद्यमान दिया करे, आज भी ये शब्द सुना बाल्यकाल में भी सुनता है तो हृदय रा जो तार है वो जनकृत हो जाता है कि वास्तव में ये संत कितने जो महंगे शब्द लिखा है, शब्दों री तरफ ध्यान देनो सजनो, हमेशा महापुरुषों री वाणी ने सुननी सत्संग में आया रे बाद में कि महापुरुषों री वाणी कह कहीं रही है, ध्यान सुनो, आ नहीं है खाली गांठी जलाऊ नहीं खाली गए, अरे अब गया तो राग छौकी कल्डी आई का, ऐसे नहीं, महापुरुषों रे वचनों री तरफ ध्यान देनो, समझ गया ना हमेशा। देखो अभी पूर्व में देखो दंजी बाबा दो भजन बोलिया, कितना अच्छा बोलिया, बांदा रे अंत काल पिस्तासी, बिना भजन तेरी चूप चतुराई भी सभी रेत में जासी, ये महापुरुषों का शब्द है। आड मासरा बनिया पिंजरा, भीतर बरिया बंगारा, ऊपरे रंग सुरंग छड़ाई और कारीगर किरतारा, भगवान किरतार जो कारीगर राम जी है वो कितो बढ़िया बनायो भाई, बताओ कि कमी राखी कहीं, कोई कमी कौन राखी, अब तो कमी अपनी है, जे भी ने याद नहीं करा तो एड़ो कौन कारीगर वे जी को मिनक बना सके, कोई बना सके, वो तो भगवान ने बनायो है, कितना सुंदर रूप दियो है, ऊपर तो कितनी चमड़ी सुंदर दी है, भीतर कहीं भर दियो है, भीतर तो कचरो भर दियो है ऐसे शरीर, भीतर बरिया बंगारा, आप देखो कोई री एक्सीडेंट में कोई री मृत्यु हो जा, कोई पशु पक्षी भी जा, देखो बीरू शरीर अपना देखा तो देख नहीं पावा, भगवान री काई रचना है, लिखे महात्मा के पशु चामरी बणतपने यार नौबत मडे नगाड़ा, हे प्राणी की चामरे माते अभिमान कर रियो है, पशु चामरी तो और कुछ साधन भी बन जावे पर मिनक थारी चामड़ी कहीं काम आवे, ये तो बड़ जड़ो रंगार वे जावे जी चामड़ी माते तू गुमान कर रियो है, भूलो मती देख तन गोरा, जगत में जीवना
ये भूलो रे मती देख तने गोरा जगत में जीवना थोड़ा तजो रे मद लोभ चतुराई निसंक होई रे वो जग माई ये जगत सब रेण रा सपना समझ नर कोई नहीं अपना। बोलो राम जी महाराज की। कोई चमड़ी रे अभिमान में रातो है तो कोई धन बल रे अभिमान माते घूम रही है तो महात्मा कबीर साहब के एक बड़ा था रावण सा राजा जीणो रे बास था बाजा और जीत के दे गया डंकार खाली हो गई लंका। मीरा भी कुछ ऐसे ही कह रही है रे धन जो बंद रो काई मुर्खा अभिमान करो। रावण जी तो पावर होला को नहीं कि तो रावण रे पास में आपा देखा रामायण जब पतो चले सोने जेड़ी लंका थी समुद्र चारों दिश पाल किशनदास ज्यों का त्यों रे यार पकड़ ले गयो काल वो काल पकड़ ले गयो सजनों। इरे वास्ते कहने रो भाव यह है धन जोबन में छकनो नहीं अभिमान नहीं करनो रिपियो भी वेजा तो गरीब रिशायता करनी। कोई गरीब है कोई अपने आड़ोसी पाड़ोस में कमजोर आदमी है भगवान दो रिपिया दिया तो आप भी रिशायता करो। सजनो ये धन संपत्ति आठे रह जाए ये परोपकारी अपने साथ चलने वालों अब वो सहयोग तो करनो दूर की ओर बिन दबावे लई ना बिन मारी ओड़ा ने क्यों मारो हो वो तो वैसे ही ले चारों तरफ मतलब पूरो पीछे जुड़ो अरबिन थे बिर माता अभी वो हो कि तो बड़ो भारी अपराध रो काम कर रही है आप बताओ कि तो गरीब ने सताना बड़ो दुख रो काम है भाई गरीब ने सताना नहीं वे सको गरीब रो सहयोग करो आपने सुख मिली आपने शांति मिली आपने जीवन में आनंद वे देखो आप यदि कोई ने दुख दे वो आपरी नींद और आप पर चैन भी चलियो जाए ये निश्चित है और आप कोई ने सुख दे वो आप कोई री सेवा करो तो आपरे जीवन में आनंद और शांति री बंसियां बजने लाग जाए ये गारंटी है। पर उपकारा कार्य करता रहो ये पाचो जीवन नहीं मिलेला इन वास्ते महात्मा के ओ संसार ओस को पानी और जाता नहीं लागे वारा ये तो ओसरो पानी ओसरो पानी कब तक रहे धूप लग्या उड़ जाना रे धूप लग्या उड़ जाना रे अठरेना नहीं देश बिराना रे चलिया गया बहुत आप री देखती आंखिया आपरा किता मित्र आप घर परिवार जान पहचान वाला हजारों लोग चलिया गया अपा किया रहे वहां अठे ये सदा ध्यान रखनो है अपा अठे हमेशा नहीं रहने वाला हाँ ये बात रो चिंतन करनो है जिस समय रात्रि अपा सोवा तो भी समय एक आपने प्रयोग करनो है भी समय आपने एक प्रयोग करनो है डायरी बनानी है जैसे कोई बाणियों है ना तो बाणियों आप रे दुकान सामरा जी टेम दुकान डोटी करे बेटे वो डायरी बनावे और भी पूरा लिखेगा आज कितो रिपियो आयो कितो गियो कहीं यो है आज कट घाटो लागो है ऐसे अपने जीवन की डायरी बनी आज अपा किन गलत बोल तो नहीं दियो हाँ अपने कारण कोई दुख तो नहीं हुआ है अपन कहीं बोलनो जो जे ऐसे आप विचार करो हमेशा और फिर ये सोचो रे अपा ये गलत कर दियो अपा अटक क्या सदा रहने वाला हाँ एक दिन मरनो है एक दिन मरनो है ये बहुत बड़ो ज्ञान है मनवा मानो मरनो रे आ काया कागज जू गणशीर गर्भ नहीं करनो रे जिने ये मृत्यु याद आएगी नहीं भाई बिने राम जी याद जाई में कोई संदेह नहीं मौत ने याद करो पर मौत ने भूलियोड़ा आप हाँ हाँ मौत मरा थोड़ी यहाँ कोई मरे तो कोई पड़ोसी मरे रे कोई बूढ़ो बडेरू मरे कोई जान पहचान आलो मरे माँ कौन मरा एक दिन एक साथ महाराज बात कर रिया के मैं तो 30 साल मारो की कौन बिगड़ा मैं कह कोई फोटो लिखा उड़ा था 30 साल का आ इच्छा ही तो नरक में ले जाएगी 30 साल के कौन बिगड़े अरे बिगड़ना में 1 मिनट लगे है सुधरना में बहुत टाइम लगे है मिलने में बड़ो परिश्रम है जाने में कोई समय नहीं लगे आप ये सोच लो एक पल में जानो पड़ी अटो सदा विचारो ये बात सजनो भाई मीरा बेने कहो समझो ये बात ने आप जीवन 2 दिन रो है और ये बालकों ने दुख मत दो
गांव रा लोग सब सारा प्रसन्न वेगा के वाह वाह भाई ये किता में चित्तौड़ा जो राजा है ये चित्तौड़ी धरती कितनी जो पवित्र है रे किता लोग सौभाग्यशाली है जो मीरा भाई जेड़ा है ने अठे राज परिवार में ऐसी भाई आई है चित्तौड़ रे गढ़ में कि गरीब लोग तो भाई प्रसन्न हुआ क्योंकि बेंगा दुख दूर कर दिया और बड़ा बे आशीर्वाद दियो मीरे भाई ने और प्रणाम करिया। मीरा भाई भी बेने कहो और तो ने कहो मीरा भाई सत्री री शिक्षा भी दिए मीरा साथ में कहते कोई कम नहीं हो थाने कोई हाथ लगावे थाने आयर कोई दुख दे तो थे मेरो प्रतिशोध करो वापिस भी बात न सहन मत करो और धर्म माते डटो। गांव रा लोगा ने भी क्यों धर्म रे वास्ते अपना जीवन ने थोड़ा सुरवीरता लाओ जीवन में कायरता मत लाओ डाकू आयर थान लूट जावर थे जूं बैठा रहो नहीं आप अपनी बच्चिया ने ले जाता देखो हो थाने मर जाना जो थारी देखती है क्या जब डाकू बच्चियों ने ले जावे थे जीर कहीं न्याल करो रे धर्म री रक्षा रे वास्ते मरनो ही क्षत्रिय रे वास्ते मंगल है सजनो धर्म री रक्षा रे वास्ते जीर कहीं कर ले जो थारी बेटियों रे सामी अत्याचार वे अपा रस्ते रस्ते जा रही हाँ और अपनी देखती है क्या अत्याचार वे आज देखा हाँ लोगों ने के जब रस्ते रस्ते लोग जावे कोई आदमी एक साथ में अत्याचार वे रही हो दस आदमी एक जना ने खत्म कर रिया है लोग बूढ़े फोन वीडियो बनावे और बूढ़े देख बाका फाड़े है अरे बच्चियों री इज्जत लूट रिया है बूढ़े लोग देख रिया। अभी दिल्ली रो एक वीडियो आयो जी में अपने हिंदू धर्म री एक बच्ची सनातन धर्म री एक बच्ची जी की घरों बाहर निकली और एक मुसलमाना को लड़को ये विद्रमी लोग बहुत खतरनाक है जो अपनी भारतीय अखंडता और अक्षुणता ने खत्म करनी चाहे राक्षस प्रवृत्ति रो वो आदमी वो लड़को हो जी को भी बच्ची ने चक्कू निकालन दो चक्कूरी मार रही हो और जी का मिन खा जी का कनू निकल रहा है पूरे भारत वर्ष में ये बात फैली के मर जानो जो जे पहला तो बे लोगा ने जी का इकू करती ने देख रिया मैंने मर जानो जो आख्या के सामने अत्याचार वे रही हो बल्कि कोई सुरवीर वे तो ये देख नहीं पाते हो सजनो। और ये ध्यान रख लीजो इस संसार में के तो संतों री महिमा है और के सुरवीरों की महिमा है। आज भी वीर तेजो जी ने क्यों याद करा कोई जाति विशेष रो कारण नहीं है चीजा ने जाति उन्हीं तोलनी भी आदमी में कितनी सुरवीरता ही भाई जी को ये देख नहीं पायो कि गाया मीना ले जा रिया है ये गाया गुजरी रही है यानी मार दे तो वो तेजो जी आडा फिर गा मेरे अपने प्राणा की बेपरवाह नहीं करी ही। अरे बे प्राणा री परवाह करन 20 साल जी जाता तो आज कौन याद करता पर आज चौराहे चौराहे माते भी छत्री सुरवीर री मूर्ति लागोड़ी है भाई डरे नहीं वो आप डरो मत। और लूटने वाला जिस टाइम ये एड़ा लोग अधर्मी विधर्मी लोग कुछ करे ना तो थे बचानो वालों कोई था ने दिख नहीं दिखे नहीं और अरे भरोसे मत रो और आप ही चीज ने सोचो थोड़ी ऐसे कई गांवरा ने भक्ति री शिक्षा भी मीरा भाई दी ही कि मानव जन्म अनमोल मिलियो भाई भगवान रो भजन भी करिया करो काम धंधे रे साथ में ऐसा उपदेश दे मीरा भाई चित्तौड़ में आया बे सैनिक लोग पाछा आया जन पूछियो कर लाया कि नहीं लाया विक्रमादित्य पूछियो तो कहवे कर लाया कहीं आज तो बैसा आएगा और मैं की दासियां रा पूरा जो गहना हाजी का दिराई दिया और माने कर लेने वाते मना कर दियो वो तो दुष्ट प्रवृत्ति रो आदमी हो विक्रमादित्य और मेरी माँ आया और मीरा ने गाली गलोच करने लगा के राज माँ चलावा तू चलाई राज माने चलानो है राज कैसे चलानो है राज एन कौन चले है तू थारी धार्मिकता अपनी जगह राख थारी दया अपनी जगह राख ऐसे राज नहीं चले है। भी समय मीरा कहे माता आप जो जीत रहे हो आप राज चलानी चाहो हो इत रहे हो तो ये राज नित ही कुंद रहे थोड़ा दिन हो राज जाता रहे ऐसे भी नहीं रेवेला अभिमान से जात है राज तेज और वंश तीनों ताला दे गया रावण को रो। मीरा ने खूब सुनायो खूब गालियां निकाली पर वो तो भाई जीवत मृतक ही जीते जी मरिए समान ही भगत बहुत ऊंची स्थिति में विया करे मुआसो जीव तारे जिन लागी शब्द की चोट उनको चाहे कछु के वो बहने संसारी परवा नहीं दिया करे। मीरा गैर गंभीर और काफी कुछ सुनायो हो पर मीरा बह चीजा ने सहन कर ली और भक्ति
धन्य है सजनों, मीरा रो चरित्र तो, मीरा बाई रो चरित्र तो इतो सुंदर है, आप पूछो मत आगे।